दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय जरा गंभीर सा है, वो है शव परीक्षा, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम हम जब बात करते पोस्टमार्टम की, तो या तो हमको मालूम नहीं रहता है, या तो जिसको मालूम होता है उसको तो उसकी भयानकता ही मालूम होती है, यानी क्यों करना है, पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है, बहुत गलत है, यही बोला। पर पोस्टमार्टम की क्या जरूरत होती है, पोस्टमार्टम क्या होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। पहली बात, पोस्टमार्टम एक मृत शरीर की चिकित्सीय जांच है। यह एक प्रकार की शव परीक्षा है जो यह जानने के लिए की जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसी हुई है। लैटिन में देखा जाए तो मरणोपरांत मृत्यु शब्द का एक रूप है और पोस्ट का अर्थ बाद है, यानी मरणोपरांत उसका जो किया जाता है क्या कर्म, वो पोस्टमार्टम है। तर्कसंगत रूप से पोस्टमार्टम एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद होती है। आमतौर पर एक परीक्षा होती है, चिकित्सा होती है, और देखा जाए तो मृत्यु का भी वर्गीकरण होता है। अब मृत्यु का वर्गीकरण हम करेंगे सरल शब्दों में, तो एक प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है, नैसर्गिक, दुर्घटना से हो सकती है, आत्महत्या करके हो सकती है, हत्या करके हो सकती है, अनिर्धारित हो सकती है, मालूम ही नहीं, या तो लंबित हो सकती है, ये होने वाली, वेंटिलेटर पे, वो तो गया है पर वेंटिलेटर पे रखा है, जिंदा रखा है, जबरदस्त। केवल चिकित्सा परीक्षक और कोरोनर ही मृत्यु के सभी तरीकों को उपयोग कर सकते हैं। भाई अगर कोरोनर ने बोल दे कि हमको इसकी परीक्षा लेनी है तो लेनी है, आप उसके ऊपर जाके नहीं बात कर सकते। अब नॉर्मल कोर्स में मृत्यु होने के बाद जो मेडिकल ऑफिसर है या तो आपके डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर चेक करके अगर उसकी मृत्यु नेचुरल डेथ से हो गई तो वैसे वो सर्टिफिकेट दे देते हैं और उसके अनुसार वो आगे क्रियाक्रम में चला जाता है। अब एक बात 100% है कि जब अगर उस मृत्यु में कोई शंकास्पद चीज है तो मेडिकल परीक्षक उसके ऊपर सर्टिफिकेट नहीं देगा, वो आपको बोलेगा जाओ और पहले जाके चेकिंग करो, पोस्टमार्टम करो। अब व्यक्ति की मृत्यु कैसी हुई है इसका पता लगाने के लिए कोरोनर का यह निर्णय, कोरोनर यह निर्णय ले सकता है कि पोस्टमार्टम की आवश्यकता है कि नहीं, और वो मुर्दा घर में वो जमा करके वो बॉडी के ऊपर का जो कुछ जख्म है वो भी चेक होता है, उसके फोटोग्राफ्स होते हैं और फिर शव को पूरा ऊपर से नीचे तक फाड़ के अंदर से आवश्यक जो जो चीज है वो सब निकाल के अच्छे तरह पैकिंग करके अगले मेडिकल रिवीजन के लिए भेजा जाता है। उसमें आपका हार्ट्स रहेगा, लंग्स रहेंगे, आपका पेट का भाग रहेगा, किडनी, लीवर, आपका ब्रेन, जहां जहां आमतौर पे भाई यहां से हमको पता चल सकता है कि भाई इसका मृत्यु का कारण सही कहां से हो सकता है, वहां उसका कोई रीजन अगर उनको लगता है कि यहां छुपा है वो उठाएंगे, वो बाजू में रख देंगे। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है कि जहां पोस्टमार्टम की जरूरत ही होती है। पहली बात यह कि अगर अकस्मात मृत्यु हो गया, कोई मालूम ही नहीं ये कैसा मृत्यु है, तो भाई जब मालूम ही नहीं तो उसको आपको पोस्टमार्टम के रूप में डालना ही डालना है। अगर मान लो एक्सीडेंटल डेथ है, आग के कारण हो, बिजली का झटका हो, मोटर एक्सीडेंट हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, आपको पोस्टमार्टम कंपलसरी है। अगर किसी की हत्या हो गई हो कंपलसरी है। मान लो 40 के नीचे उम्र का आदमी है और आमतौर पे
स्वाभाविक रूप से हम ये कह सकते कि भाई नेचुरल डेथ से नहीं मर सकते, ऐसा आदमी अगर गुजर गया और शंका है तो भाई पोस्टमार्टम जरूरी है। अब पोस्टमार्टम करने का कुछ बेनिफिट्स भी है, मतलब लैंडस्लाइड हो गया, पूरा गांव का गांव मिट्टी के नीचे चला गया, भाई कौन किसका रिश्तेदार कैसा पता चलेगा, डीएनए टेस्ट करने के लिए पोस्टमार्टम की जरूरत, यानी मृतक की पहचान स्थापित करने के लिए पोस्टमार्टम की जरूरत होती है, फिर मृत्यु के वास्तविक कारण और तरीके की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम की जरूरत होती है, फिर मृत्यु के कारण का क्रमिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए होती है, भाई पहला क्या हुआ रहेगा बाद में क्या हुआ रहेगा, फिर आवश्यक के समय घावों को अपेक्षित फोटोग्राफी के सुविधा के लिए रखा जाता है, फोटोज निकाले जाते हैं भाई कहाँ कहाँ घाव थे वो रखे जाते हैं, और जटिल चिकित्सीय कारक अलग ढंग से उसको उजागर करने का काम एक पोस्टमार्टम करता है। आज पोस्टमार्टम का खास करके विषय इसलिए था, बहुत सारे लोगों के मन में पोस्टमार्टम क्या होता है यही मालूम नहीं रहता, वो बहुत दर्दनाक चीज होती है ये सभी मानेंगे, पर जहां इसकी आवश्यकता उसको तो करना ही करना है। आज का विषय पोस्टमार्टम के ऊपर था, अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेकर आऊंगा, तब तक के लिए यही अनुमति चाहता हूं, धन्यवाद।